हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ अपने गांव और मैं आई थी छठ के पारन के दिन। छठ वाला वीडियो किसी वजह से अभी अपलोड नहीं हो पाया है, वो बाद में आएगा। सो तब तक आप मेरे गांव घूम लीजिए। ये देखिए कुआँ सूख गया है, मतलब मैंने जाती हूँ तो कुएँ वगैरह को देखती हूँ, लेकिन धीरे 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 सारे सूख रहे हैं। सरकार बहुत काम कर भी रही है इन सब पे, लेकिन ये मेरा घर है, मतलब घर के बगल में ये खुदाई पता नहीं किस चीज़ के लिए, आई थिंक किसी पाइप वाइप के लिए हो रखी है। और ये मेरे दादाजी ने, मतलब मैं बीच वाले जो अंकल हैं मैं उन्हें दादाजी कहती हूँ, दादा, तो उन्होंने ये सब लगा रखा है। पापा दादा मिलके, पालक है, बैंगन है, मूली है, आलू है, और भी मतलब थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ नींबू वगैरह है। और ना उस दिन मतलब बैगन जो है, एक दिन हमने उसमें से तोड़ा था और फिर सांड आया और सारा बैगन खा गया, ऊपर से सारा तोड़ दिया। वैसे आते रहता है। सो ये है मेरा घर, वेलकम टू माय हाउस। अभी अभी मैं जा रही हूँ, मम्मी ने कुछ सामान लाने के लिए बोला था, कुछ कुछ मिठाई और चूड़ा वगैरह लाना था शायद देने के लिए। सो और फिर मतलब मैंने ज़्यादा गांव पे रिकॉर्डिंग नहीं की थी, मुझे पेठियाँ बोलते हैं, बाजार लगता है गांव पे रविवार बृहस्पतिवार ऐसे कुछ, तो मैं वहाँ भी जा रही थी। ये देखिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, ये मेरे गांव का मंदिर है, भीड़ काफ़ी हो रही है। मतलब गांव में उतना वो नहीं है कि हाँ लोग नहीं सोचते कोरोना है या फिर ये इन सब। मम्मी सब्जी भी लिया था थोड़ा सा, और काफ़ी दिनों बाद, मतलब मैं गांव पे तो ऐसे ही रहती ही नहीं थी, काफ़ी दिनों बाद इस बार रही हूँ। आई थिंक 12-13 साल हो गए होंगे। गई तो थी बीच बीच में, लेकिन रही थी 5-6 दिन के लिए इस बार। ये ठकुरबाड़ी है, हनुमान जी हैं यहाँ पे ना कोई पंडित जी रहते हैं, तो अभी तो बंद है, शायद शाम हो रही थी इसलिए कोई था नहीं। मैंने ऐसे ही बाहर से भगवान जी को प्रणाम कर लिया। बीच में जो ठाकुर जी का घर है वो तो बंद ही है, और उसके बाद यहाँ से हमें प्रसाद हम लोगों को मिलता था, पंडित जी जब रहते थे सब भी, तो ये ठाकुर जी का पट बंद है और लेकिन शंकर जी का जो खुला हुआ है, तो मैंने इन दोनों के दर्शन कर लिए थे। और ये देखिए लाइट नहीं है, मैं अंदर भी नहीं गई थी क्योंकि मतलब पैर कैसे कैसे थे ज़्यादा। और ये जो भी रहते हैं ना ठाकुर जी की सेवा में, तो वो लोग यहाँ पे बनाते खाते हैं, उनका घर मतलब वहीं है सामने, तो वो लोग वहीं रहते हैं। और यहीं से सामने जो है, ये जो है सामने रहता है पेट बाजार लगता है, यहाँ से मैंने वो लिया था झिल्ली, मम्मी को बहुत पसंद है, और ये मैंने अपने लिए लिया था कॉफ़ी और झिल्ली ली थी मम्मी के लिए। बेटी खिलवाया नहीं, वो गोल गोल बेसन का भैया देखे साइड में जो है मोड़ी के बगल में, आप लोग लाई बोलते हैं शायद से। फिर यहाँ से हमने मिठाई ली थी, और एक पाव में ना मैंने लिया था तो 6 चढ़ाता, और 1 केजी में भैया ने 20 ही डाला, मैंने उनसे झगड़ा भी कर लिया था। और ये मछली वछली भी बिक रहे थे, मैं मछलियों को पहचानती नहीं कौन सी कौन होती है लेकिन। और यहाँ पे फिर रही वो तुलसी विवाह, देवउठाव ने कहा से बोलते हैं वो, हर जगह मेरे ससुराल में भी होता है, यहाँ पे भी, तो मेरे लोग जो है उसी का आयपन दे रही है। वो चावल के पिठार में हल्का सा सिंदूर वगैरह डाल के या फिर पिठार से बनाते हैं रंगोली वगैरह, और ये जो भी पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, और उसके बाद जो है
उसमें सिंदूर वगैरह लगाते हैं, वो भगवती के रूम से ऊपर हनुमान जी के रूम तक गया था। तो ये सारा पूजा हुआ था। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय।